ओके आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्शन प्रोटेक्शन मेथड। तो हमारी इस क्लास में आप सीखेंगे कि कैसे हम अपने सीट को, फाइल को, एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं ताकि कोई भी पर्सन उसमें देखभाल उसमें राइट नहीं कर सके या किसी और तरह की एक्टिविटीज ना कर सके जो मैं ना चाहता हूं। तो बेसिकली बड़ी सिंपल कंसेप्ट है प्रोटेक्शन का और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे चल के वीवीए वगैरह में भी आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हम बात जानते हैं कि हमारे पास एक डेटा है और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इस डेटा को किसी भी तरह का चेंजिंग ना कर सके। तो कुछ नहीं करना, आपको सीट का जो नेम है उसके ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ आपको दिखेगा प्रोटेक्ट शीट पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ अपना पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। अब यहाँ देखिए पासवर्ड को अगर आप कंफर्म करते हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड जो आपने डाला है अगर आप भूल जाते हैं तो ये रिकवर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आपको दिया हुआ है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर। लेकिन ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे पासवर्ड क्रैक हो जाता है, बट वो तरीका सही नहीं है और दूसरी चीज उसमें 100% गारंटी नहीं है कि आपका पासवर्ड रिकवर हो जाए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, पासवर्ड को ओके कर दिया। अब इसमें क्या है कि हम किसी भी नहीं कर सकते, बस इसको देख सकते हैं, इसकी प्रिंटआउट निकाल सकते हैं या फिर हम उसको कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसको कॉपी भी ना कर सके, तो कैसे होगा कि कॉपी कैसे नहीं हो सकती है? देखिए एक्सेल में कॉपी डिसेबल करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप कॉपी को डिसेबल कर दे, ऐसा ऑप्शन नहीं। तो हमको दूसरे तरीके से सोचना है। तो दूसरे तरीके से कैसे सोचना होगा, तो कॉपी करने के लिए जरूरी क्या है बताएंगे सवेर जी? कॉपी करने के लिए जरूरी क्या selection. है सिलेक्शन सिलेक्शन सही कहा आपने, सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कॉपी का कोई मतलब ही नहीं, क्या सर? तो सिलेक्शन को कैसे रिमूव कर, सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए आप जैसे कि हम यहाँ पर इस पहले तो अनप्रोटेक्ट करते हैं, जब इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो यहां आपके सामने दिखिए अलाउ ऑल यूजर ऑफ वर्कशीट, मतलब ये क्या, इसमें चेकबॉक्स है, मतलब क्या है कि पासवर्ड डालने के बाद हम क्या किया है, जो भी फाइल एक्सेस करेगा वो क्या क्या कर सकता है उसकी लिस्ट है। ओके सर, तो डिफॉल्ट होता है सिलेक्ट लॉक सेम और सिलेक्ट अनलॉक सेम। अब लॉक अनलॉक क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। देखिए देखिए क्या है कि सिलेक्शन की अलाउंस दी गई है, अगर मान लीजिए फॉर्मेट पे क्लिक कर दिया एंड ओके कर दिया तो क्या होगा कि आप कुछ टाइपिंग बट हम सेल्फ को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसको कॉपी नहीं करने देना है तो हम क्या करेंगे,
स्क्रिप्ट प्रोटेक्ट करते समय सिलेक्शन की जो अलाउंस है उसको हटा देंगे, पासवर्ड को डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे एंड ओके। अब यहां पे मैं कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहा, और जाहिर सी बात है अगर मैं क्लिक नहीं कर पाऊंगा तो कॉपी करने का कोई चांस ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? चांस है कॉपी करने का? एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। अब अगला एग्जांपल में चलते हैं। हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना। मैं चाहता हूं कि इस एरिया में कोई भी पर्सन किसी तरह का इसमें किसी भी तरह का टाइपिंग ना कर सके, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोटेक्शन से बाहर कि कोई भी पर्सन इसमें इसमें कुछ भी कर सके पर रेस्ट ऑफ एरिया में किसी तरह का काम ना कर सके। चलिए, तो जब हम सीट को प्रोटेक्ट करते हैं, यहां प्रोटेक्ट सीट में जब हम सीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या है कि यहां पे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, मतलब कि उसी सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है जो सेल हमारा लॉक्ड है, जो लॉक नहीं है उसको प्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेक्शन से बाहर रखेगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सेल लॉक्ड है ये कैसे पता चलेगा, तो सीट पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए और यहां प्रोटेक्शन में आपको यहां लॉक दिखेगा, तो जिस सेल के ऊपर लॉक्ड क्लिक है इट मीन्स ए लॉक्ड सेल है, अनचेक कर दिया इट मींस अनलॉक्ड है, मतलब कि जो इस पे क्लिक है उसके ऊपर पासवर्ड एप्लीकेबल होगा और जिस पे क्लिक नहीं है उस पे पासवर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो कलर्ड एरिया है जिसको पासवर्ड से बाहर रखना है उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इससे लॉक को हटा देंगे, देन ओके। अब क्या है कि ये जो येलो एरिया है ये हमारा लॉक्ड है और रेस्ट ऑफ द एरिया हमारा अनलॉक्ड है, तो अब हम इसमें पासवर्ड डालेंगे कि प्रोटेक्ट शीट। अब मैं यहां पे पासवर्ड ना डाल रहा हूं, जस्ट ओके कर रहा हूं क्योंकि बताया था पासवर्ड रिकवर नहीं होते हैं, तो अननेसेसरी में पासवर्ड नहीं डालता, बट नॉर्मल डालने से क्या होता है प्रोटेक्शन अप्लाई हो जाती है। तो मैं कहीं और क्लिक टाइप नहीं कर पा रहा हूं, बट यहां पे मैं टाइप कर पा रहा हूं। अब मैं इसका उल्टा करना चाहता हूं, तो कैसे करें उल्टा? जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ये रेड एरिया है सिर्फ इसी को प्रोटेक्ट रखा जाए, इसके अलावा जो एरिया है उसको अनप्रोटेक्ट रखा जाए। तो जैसे कि हमने अभी अभी बताया कि डिफॉल्ट हर एक सेल हमारा लॉक्ड होता है, तो हम क्या करेंगे कि पूरी सीट को सिलेक्ट करेंगे। अब पूरी सीट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए एक वन और ए के बीच के ट्रायंगल पे क्लिक कर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और इसकी लॉक को अनचेक कर देना।
अभी क्या है कि पूरा एरिया हमारा लॉक, पूरा एरिया लॉक्ड है। अभी मैं पासवर्ड डालूंगा, सब सा जो भी है सबके पासवर्ड केवल नहीं होगा, लेकिन मुझे तो कलर एरिया पे पासवर्ड अप्लीकेबल करना है, तो हम वापस कलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां फॉर्मेट सेल में आ जाएंगे और इसके ऊपर वापस हम लॉक को अप्लाई करेंगे। अब मैं यहां पे पासवर्ड अप्लाई करता हूं, अब मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूं, बट इसमें ठीक है, लेकिन अब वही बात आती है कि इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है, चलिए एक हम एग्जांपल बता दें। ये छोटा सा तो यहां मैं डालता हूं नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, यहां पे जीएसटी, कमीशन, टोटल, डेट। तो यहां में हमारा जो अमाउंट है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है, जीएसटी इसका %18 है, कमीशन इसका 2% है, और ये रहा हमारा टोटल। इसमें क्या है कि जब मैं किसी तरह का टाइप करता हूं, इसमें लिखा पूजा, क्वांटिटी में 20, एमआरपी में 36 दिया, तो बाकी कैलकुलेशन खुद ब खुद हो गया। अब मुझे डेट एंड टाइम यहां पे लिखने पड़ रहा, ओके। तो इसमें क्या होता है कि अब मुझे इन पे एंट्री नहीं करनी है, जब भी मैं एंट्री करता हूं तो मुझे 4 सेल जाने पड़ते हैं। इसका सलूशन क्या हो सकता है, तो हमने क्या किया, पूरे सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और इसको अनलॉक कर दिया, और ये जो हमारा कैलकुलेटर था, फॉर्मूला था, उसको हमने उसको फॉर्मेट में जाके वापस अनलॉक कर दिया। जैसे कि पासवर्ड डालेंगे तो इस पे टाइप होगा, इस बाकियों पे टाइप होगा, बस इन कॉलम में टाइप नहीं होगा। लेकिन पासवर्ड डालते समय हम एक काम और करेंगे, यहां लिखा है
कि सिलेक्ट लॉक्ड से, मतलब कि डी ई एफ जी हमने बोला कि भाई सिलेक्शन नहीं करनी है, मतलब कि अब पासवर्ड डालने के बाद डी ई एफ जी कॉलन सिलेक्शन में नहीं आए। तो मैं अब एंट्री करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाला नीरज और यहाँ पे हमने डाला अमाउंट, और जैसे टैब डालूंगा तो देखिए कर्सर साइज डायरेक्ट जो है यहाँ चला है, मतलब कि यहां से यहां डायरेक्ट। तो हमारा जो अब यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब कि इसमें दो चीजें हुई कि मैं मेरा टाइपिंग जल्दी हुआ, मैं उसी जगह पे कर्सर ले जा सकता हूँ जहां मुझे टाइप करना है, मेरा फॉर्मूला भी सिक्योर हो गया और टाइपिंग भी में जल्दी आ गई। सर्वेश जी समझ में आया आपको? हाँ सर बोलिए। सर अगर पूरा वर्कबुक में ये वर्कशीट में अगर पासवर्ड दे प्रोटेक्ट करेंगे कैसे करेंगे, मतलब जब तक हम इंटरव्यू जी मैं माफी चाहूंगा, मतलब ये आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही। वर्कशीट एट द फर्स्ट टाइम इट शुड रिक्वायर द पासवर्ड। Can you hear me right now, sir? जी मैं समझ के बताता हूँ आपको। अब जैसे कि मैं आपको आगे इसके बारे में बताता हूँ आपको। Okay sir, okay. जैसे कि मान लीजिए कि अगला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, हम चाहते हैं कि मान लीजिए हम फॉर्म बना रहे हैं, तो मैंने नेम दे दिया, यहाँ पे रोल दे दिया और यहाँ पे मैंने मार्क्स दे दिया। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट ऑप्शन, इसको अनलॉक। अब मैं इसमें पासवर्ड डालता हूं, यहां पे आप देखेंगे कि मैं पासवर्ड डालते, यहां पासवर्ड डालते समय मैं क्या करूंगा, यहां इसको अनचेक कर दूंगा, देन ओके। मैं कर्सर डालूंगा तो इसके अगले जाएगा, मतलब इन तीनों के अलावा कहीं मेरा कर्सर मूव ही नहीं होगा और एक के बाद उसी उसी सेल पे मूव करेगा जिसपे हमने टाइपिंग करनी है। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि क्या हम एक ही सीट में दो तरह के पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे मेरे एक ही सीट पे दो हमारे यूजर्स हैं, यूजर ए और यूजर बी। मैं चाहता हूं कि यूजर बी जो है यूजर ए का डेटा चेंज ना कर पाए, और यूजर बी जो है यूजर ए बी का नहीं और बी ए का नहीं, तो दो अलग एरिया पे अलग अलग पासवर्ड देना है। ऐसा हो सकता है, इसके लिए हमें रिव्यू में जाना होगा। हमने क्या किया कि इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद डेवलपर टाइम में रिव्यू में हमारे पास होता है अलाउ एडिट रेंज। इस अलाउ एडिट रेंज पे जाऊंगा, न्यू पे जाऊंगा और यहां अपना पासवर्ड डाल देंगे ओके, और यहां पासवर्ड डाल के देन ओके कर, फिर न्यू पे क्लिक किया और यहां नीचे आके अपना एड्रेस को चेंज करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। अब
जो है ये एक्टिव कब होगा, जब हम सीट में पासवर्ड डालें। जैसे मैं इसमें टाइप करने के लिए जाऊंगा, मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा तो फिर पासवर्ड मेरा इनकरेक्ट था, अगर पासवर्ड सही डालेगा, चलो मैं पासवर्ड भूल गया, मैं क्या रहा था, हाँ 1 2 3 ओके। अब मैं इस पे टाइप करूंगा तो वापस मुझे पासवर्ड पूछ लेगा, नहीं पूछा पासवर्ड, ना पूछने का रीजन था कि हमने दोनों का सेम पासवर्ड रख दिया, ये दिक्कत रहेगा, दोनों का सेम पासवर्ड मत रखिएगा। अब देखिए, अब मैं यहां पे जाऊंगा तो पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड डाल दिया, अब मैं इस पे काम कर सकता हूं, बट यहां जैसे आऊंगा अगेन पासवर्ड पूछेगा, दो अलग अलग आप यहां पासवर्ड पूछे। बट इसमें दिक्कत और भी है कि यहां किसी सीट को कोई भी इजीली डिलीट कर सकता है, और डिलीट मार दिया, हम चाहते कोई भी सीट को डिलीट ना कर सके, सीट किसी तरह की चेंजिंग ना कर सके, तो यहां आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कीजिए और अपना पासवर्ड डाल के ओके कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब मैं पासवर्ड को, अब सीट के ऊपर बिना पासवर्ड के हम किसी भी तरह का किसी पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है सर, लेकिन हम बात होते हैं इनके आभासी जी के कि हम फाइल को ओपन ही ना कर पाए बिना पासवर्ड, उसके दो तरीके हैं, अगर फाइल बिल्कुल नया है और आप सेव कर रहे हैं सर, यहाँ टूल्स में जनरल ऑप्शन दिखेगा, अब यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, दो अलग अलग पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं, जिसे जैसे फाइल ओपन करेंगे पासवर्ड पूछेगा, बगैर पासवर्ड के फाइल आप ओपन ही नहीं कर पाएंगे। तो सेव एज करते समय टूल्स और टूल्स में जनरल ऑप्शन। अब इसमें एक चीज और आता है, अगर फाइल मेरा सेव है मैं उसको सेव एज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सेव एज करने से हमारा लिंक टूट जाता है, तो हम चाहते हैं कि बिना सेव एज किए हैं मेरा पासवर्ड रिसेट हो जाए, मेरा पासवर्ड लग जाए फाइल में ओपनिंग पासवर्ड। तो यहां इन्फो के अंदर में प्रोटेक्ट वर्कबुक दिखेगा, इसको अनचेक कीजिएगा, यहां दिखेगा एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और यहां पे आप पासवर्ड डाल दीजिए, और जब तक पासवर्ड डालेंगे नहीं तब तक फाइल आपका ओपन ही नहीं होगा। समझ में आ गया आपको सर अब्बासी जी? जी सर, ये बोल रहा हूँ, थैंक यू। ये थी हमारी आज की प्रोटेक्शन क्लास। सर मेरे को एक चीज बताइए सर, थोड़ा सा हटके है, क्या गूगल स्प्रेडशीट में ये ऑप्शन रहता है क्या आपके पास? हाँ, गूगल स्प्रेडशीट जो गूगल की सीट होती है एक्सेल वाली, हाँ गूगल सीट भी होती है। एक्चुअली मेरा कंसर्न ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे को अलग अलग बंदों को एक्सेस देना है उसमें राइट्स का, तो ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है क्या उसमें? बस सीट जब शेयर करते हैं ना आप, हाँ ऑप्शन आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे
यहाँ शेयर ऑप्शन है ना, हाँ जब मैं इसको शेयर करूंगा शेयर में क्या होता है, मैं अभी जिसको शेयर करता हूँ उसको एडिट व्यू का मैं दे देता हूँ एक्सेस, जिसको एडिट नहीं करना उसको एडिट में करवाइए। पर्टिकुलर पार्ट मुझे किसी के साथ एडिट का देना है अलग, सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक, ये होता है एक ऑप्शन प्रोटेक्ट रेंज दिख रहा है आपको, हाँ हाँ डाल दीजिए पासवर्ड, सेट परमिशंस, पासवर्ड नहीं मेरे कंसर्न ही है ऐसा पोस्ट कीजिए, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, सेट परमिशन आगे दीजिए किसको देना है किसको नहीं देना है। अच्छा ठीक है ना, आपको यहाँ पे परमिशन आ गया ना, मैं हटा दूंगा तो नहीं टाइप कर पाएगा, और अगर जिसको परमिशन देंगे विदाउट पासवर्ड टाइप कर लेगा उसमें, ठीक है ठीक है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ अपने एक्सेल पे एक बार अपनी आईडी पे, ठीक है तो मिलते हैं कल, ठीक कल थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, ठीक है ठीक है सर।